नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर भिवंडी से है, जहां भिवंडी शहर में एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची की आवारा कुत्तों के काटने के कारण मौत हो गई, जिसको लेकर भिवंडी AIMIM के नेता सादाब उस्मानी ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि भिवंडी के आजी माजी आमदार व खासदार दोनों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसी पोस्ट को देखते हुए सी न्यूज भारत की टीम ने सादाब उस्मानी से संपर्क कर उनसे बात करने की कोशिश की, जहां सादाब उस्मानी ने विधायक और सांसद दोनों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भिवंडी का इकलौता अस्पताल इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल है, जिसमें इलाज के लिए कोई ठोस विकल्प मौजूद नहीं है, जिस कारण लोगों को ठाणे मुंबई जैसे शहरों में इलाज के लिए भेज दिया जाता है, जिस कारण लोगों को भारी तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। वहीं सादाब उस्मानी ने कहा कि विधायक और सांसद दोनों ही इस इकलौते अस्पताल पर अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो लोगों को राहत दे सके, जिस कारण लोगों की मौतें होती हैं, इसलिए इन्हीं लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये रिपोर्ट। बता दें कि भिवंडी शहर में विकास की ताल ठोकने वाले नेताओं ने अब तक इस अस्पताल पर कोई ठोस काम नहीं किया है, जिस कारण नागरिकों को मुंबई ठाणे जैसे शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता है, जिस कारण लोगों को भारी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं सरकारी अस्पताल को लेकर पहले भी भिवंडी के नेताओं ने खूब राजनीति की है और खूब वादे भी किए हैं, पर सभी वादे खोखले साबित हुए हैं, क्योंकि 4 वर्षीय मासूम बच्ची का इलाज सही समय पर नहीं किया गया, जिस कारण बच्ची की जान चली गई। भिवंडी शहर के अंदर कुछ महीनों से आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं इसकी जानकारी अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने या 4 महीने के अंदर 800 लोगों पर कुत्ते का जो है हमला हो चुका है, चाहे किसी भी तरीके का हो। वहीं एक बच्ची 4 वर्षीय बच्ची है जिसको कुत्ते ने काटा और कल के दिन उसकी डेथ हो गई। अब इसको लेकर के भिवंडी शहर के अंदर सियासत भी गर्म हो चुकी है, लोग तरह तरह का आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं हमारे पास एक पोस्ट आया, ये वो पोस्ट है, MIM पार्टी के सादाब उस्मानी जो हैं उन्होंने ये पोस्ट किया। इसमें लिखा हुआ है, लाइबा के कातिल आजी माजी आमदार व खासदार पर गुनाह दाखिल होना चाहिए। कुत्ते ने काटा परंतु सही इलाज न होने के कारण हुई मौत। क्या भिवंडी शहर के आमदार व खासदार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि IGM हॉस्पिटल की उपचार प्रणाली को दुरुस्त करें? क्योंकि हमारे आमदार व खासदारों ने IGM अस्पताल की उपचार प्रणाली को आज तक दुरुस्त नहीं किया है, इसलिए भिवंडी शहर में इलाज ना होने के कारण होने वाली हर मौत के जिम्मेदार ये खुद हैं। इस तरह का पोस्ट आया है। अब हमारे साथ में सादाब उस्मानी हैं, जो MIM के नेता हैं, हम उनसे जानेंगे। उस्मानी जी, आपने किस आधार पर कह दिया और पोस्ट कर दिया कि आमदार और खासदार पर गुनाह दाखिल होना चाहिए, जो कि महानगर पालिका प्रशासन भी इसमें खुद जिम्मेदार है? देखिए, बिल्कुल महानगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है। कुत्ते जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं गलियों में और बच्चों को गया किसी को भी काट रहे हैं, तो कुत्ते कितने होने चाहिए, कुत्ते हैं तो उनको इंजेक्शन लगा है कि नहीं, वैक्सीनेशन हुआ है, इस बात की जिम्मेदारी भी महानगर पालिका के अधिकारी की है। लेकिन साथ ही कोई भी हादसा होता है और उसको इलाज अगर सही समय पर नहीं मिलता है तो उसका जिम्मेदार कौन? हम भिवंडी शहर के नागरिक जो है आमदार वो खासदार क्यों बनाते हैं कि हमारे को आरोग्य सेवा अच्छी मिले, विकसित शहर हो, शिक्षा व्यवस्था सही हो। हमारे शहर भिवंडी में 10 साल पहले IGM हॉस्पिटल को उप जिला रुग्णालय का दर्जा मिला। जितने माजी और आजी आमदार और खासदार हैं, चाहे वो रशीद ताहिर मोमिन हो, चाहे रुपेश मात्रे हो, चाहे वो महेश चौगले हो, चाहे रईस शेख हो, चाहे कपिल पाटिल या मौजूदा खासदार बाला मामा हो, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि भिवंडी IGM हॉस्पिटल को अच्छी सेवा प्राप्त करें? आज भिवंडी इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में
कोई भी बड़ी बीमारी का इलाज नहीं होता है, सिर्फ एक रिफर सेंटर बन के रह गया। मैं बार बार आपके चैनल और देगर चैनलों के माध्यम से बताता रहा हूँ, हमने माननीय प्रांत अधिकारी के माध्यम से आरोग्य मंत्री को भी लेटर लिखा है माजी में कि भिवंडी शहर में मजदूरों का शहर है, गरीब मजदूरों का शहर है, ना सिर्फ भिवंडी बल्कि भिवंडी ग्रामीण के भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और गरीब मजदूर लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, लेकिन उपचार ना होने के कारण यहाँ पर अक्सर देखते हैं कि मौत हो जाती है। इस बच्ची के साथ भी लगभग यही हुआ है। मेरा ये मानना है कि लाइबा आसिफ शेख को सही उपचार भिवंडी शहर में मिल गया होता तो आज वो बच्ची जिंदा होती। अल्लाह उस बच्ची को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उसके घर वालों को सब्र जमील दे। जिसकी बच्ची गई है उसको इस बात का एहसास है कि उसकी बच्ची चले गई, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, उसके गम में हम शामिल है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम नेताओं की क्या जिम्मेदारी नहीं है जो चुनकर आए हैं? जनता ने उनको चुनकर क्यों दिया है? आईजीएम हॉस्पिटल पे सिर्फ करोड़ों रुपए के फंड की बातें होती है, करोड़ों के आप फंड लाते हो, कहां जाता है? आज आईजीएम हॉस्पिटल में आप देखो रईस शेख बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मौजूदा आमदार महेश चोगले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या है भिवंडी आईजीएम हॉस्पिटल में? कोई भी चीज का उपचार नहीं। इस बच्ची मरी उसका जिम्मेदारी है दोनों ही है, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। उस्मानी जी, एक सवाल हमारा है, आपने कहा इन पर एफआईआर होना चाहिए। जैसे ही इस बच्ची की मौत हुई और कल के दिन जैसे ही इसकी खबर आई है, तुरंत आमदार रईस शेख ने मीडिया से संपर्क किया और सीधा अपना बयान जारी किया कि महानगर पालिका के जिम्मेदारों पर एफआईआर होना चाहिए जो अधिकारी हैं। तो उन्होंने आवाज तो उठाया और उस बच्ची के लिए उन्होंने कहा कि हमने कलेक्टर को इस बारे में मिल करके बातें कही है, लेटर दिया है। तो किस इस तरह की वो बात कह रहे हैं, अब बच्ची के साथ खड़े हैं, उनके दुख में शामिल हुए, तो आप इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हैं? देखिए, ये इंसानियत है कि हर किसी इंसान ने किसी के दुख में खड़े होना चाहिए, अच्छी बात। लेकिन मेरा ये मानना है, एक नेता जो चुनकर आया हुआ है, चाहे वो रईस शेख हो चाहे महेश चोगले हो, ये इनकी जिम्मेदारी है कि इस बात का ख्याल रखे कि भिवंडी शहर में आरोग्य प्रणाली अच्छी हो। मेरा ये कहना है कि सिर्फ लाइबा नहीं, कल के मेरी बच्ची, आपकी बच्ची, किसी की बच्ची कोई हादसे का शिकार होगी तो उसको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पहले लाया जाएगा तत्काल। अगर वहां इलाज नहीं हुआ, इमरजेंसी पोजिशन में उस बच्ची की या बच्चे की मौत हो सकती है। तो ये जो हो रहा है, इसके जिम्मेदार ये दोनों ही है ना भाई, दोनों ने सत्ता का फल भी तो खाया हुआ है। महेश चोगले आज तक सरकार में है, क्या कर रहे हो? खाली बड़ी बड़ी बातें। रईस शेख क्या 2 साल पहले तक महाविकास आघाड़ी में सरकार में नहीं थे? खाली बड़ी बड़ी बातें। कोई मर गया उसको मुआवजा दिला देना, मैं बार बार आपको कुछ देर पहले भी बोला कि वो जो बच्ची मर गई उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मुआवजे से उस घर वालों को क्या ढाढ़स बन जाएगी? जो बच्चा या बच्ची मर जाएंगे या कोई भी शहर का नागरिक मरेगा, आप उसको मुआवजा दिला दोगे, बहुत बड़े नेता हो गए हो। अरे भाई, इलाज की प्रणाली सही करो ना। इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में आज भी सैकड़ों मरीज को रिफर किया जाता है, क्यों? इलाज नहीं है, क्यों? डॉक्टर नहीं है, क्यों? मशीन नहीं है। तो भाई, आप जो है क्यों आमदार खासदार बन रहे हो? दूसरों को मौका दो, जब आपको काम करने नहीं आ रहा, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। करोड़ों रुपया जो है बार बार बोलते आए हैं, आपके चैनल पे भी न्यूज में मैंने देखा है, हमने करोड़ों फंड लाया, हमने करोड़ों फंड लाया, तो करोड़ों फंड गए कहां भाई? आपकी एम्बुलेंस भी फ्री में लोगों को नहीं मिल रही है, ये परिस्थिति है, आप इस बात से इंकार कर सकते हो क्या? कहीं ना कहीं शादाब उस्मानी की ये बात में एक दम दिखाई देता है कि इंदिरा गांधी अस्पताल जो है भिवंडी का, एक लौटा अस्पताल है जहां पर मरीजों को रिफर कर दिया जाता है, वहां पे इलाज का मामला जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ऐसा डॉक्टरों का कहना रहता है कि मशीनरी नहीं है यहाँ पर, वो चीजें नहीं है जो हम इलाज मुहैया करा दें। इसी को लेकर के यहाँ के डॉक्टर मरीज को रिफर कर देते हैं। ऐसी भी घटनाएं हुई है कि कुछ लोग इंदिरा हॉस्पिटल से निकलकर थाने के लिए जा रहे हैं, मुंबई के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में ही उनकी मौत हो गई है। ऐसे भी मामले पहले हो चुके हैं, लेकिन मौजूदा आमदार और खासदार जो भी अब तक यहाँ पर सरकार में रहे या अपनी कुर्सी पर मौजूद रहे और पावर में रहे, उन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की और इंदिरा अस्पताल के अंदर अब तक कोई ऐसा काम ना किया गया जिससे शहर की जनता, ग्रामीण
क्षेत्रों की जनता को सही लाभ मिल सके, ये बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगेश के साथ मुस्तकीम खान, सीनियर भारत, भिवंडी। भिवंडी शहर के इकलौते सरकारी अस्पताल की हालत खराब तो है ही, पर इसमें काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों की भी भरपूर लापरवाही आए दिन देखने और सुनने को मिलती ही है। सूत्रों की माने तो इस अस्पताल से लोगों को भारी मात्रा में दूसरे अस्पताल भेजने की सलाह भी दी जाती है और उन्हें बाहर भी भेज दिया जाता है, जिस कारण कुछ लोग सही समय पर इलाज न मिलने के कारण अपनी जान भी गंवा देते हैं। वहीं हमेशा इस अस्पताल में काम करने वाले लोगों पर भी आरोप लगता है कि इसमें काम करने वाले लोग भरपूर लापरवाही करते हैं और इलाज के लिए आए हुए लोगों से उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। ऐसे में भिवंडी शहर की सरकारी अस्पताल पर खास ध्यान देने की जरूरत है, ना कि राजनीति करने की जरूरत है, ताकि सही समय पर लोगों को सही इलाज मिल सके और राहत भी मिल सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।